कृपा से सीतामढ़ी में भी कमल का फूल खिलेगा। अयोध्या सीता मैया यहाँ है, वहीं पर एक तालाब भी है, तो तालाब में भी कोई कुछ खिलेगा तो कमल का फूल ही खिलेगा। पिछली जो भी सरकारें कांग्रेस की रही हैं, उन सब पर कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। कोई मां का लाल, चाहे देश का हो अथवा विदेश का हो अथवा कोई एजेंसी हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकती है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। बिहार में माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेडीयू की सिटिंग सीट से भाजपा का कमल खिलने की घोषणा की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि माता सीता की जन्मस्थली पर एक तालाब है और तालाब में यदि कुछ खिलेगा तो कमल का फूल ही खिलेगा। दरअसल अपने एक दिवसीय दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे रक्षा मंत्री ने पुनौराधाम में माता सीता की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने उर्विजा कुंड पहुंचकर गंगा आरती की। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ भाजपा नेता मंगल पांडे समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस समय जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता सारे देश में बढ़ी है, उसको लेकर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र शेष बचे जहां पर की कमल का फूल न खिले। सर मैं तो आश्वस्त हूँ कि माँ जानकी की कृपा से इस सीतामढ़ी में भी कमल का फूल खिलेगा। और आपने देखा यहाँ पर सीता मैया यहाँ है, वहीं पर एक तालाब भी है, तो तालाब में कोई कुछ खिलेगा तो कमल का फूल ही खिलेगा। नहीं सर, ये मंदिर के विकास के बाद माँ जानकी की जन्मभूमि है। देखिए सर, इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। काम हो रहा है, क्या टारगेट है सर? आप आश्वस्त रहिए, हमने कुछ बात किया है रमा जी से। सर धार्मिक बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। क्या महिला उम्मीदवार भी हो सकती है? महिला उम्मीदवार भी हो सकती है? मैंने किसी भी संभावना को टाला नहीं जा सकता। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जेडीयू की परंपरागत सीट सीतामढ़ी बीजेपी की झोली में चली जाएगी। तो वहीं जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर बनी है, ठीक उसी तरह सीतामढ़ी में भी माता सीता के मंदिर निर्माण की भी मांग लगातार की जा रही है। बहरहाल राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे सीतामढ़ी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मंगल पांडे जी हमारे बिहार के तेज तर्रार नेता हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट क्यों देना चाहिए। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कोई माँ का लाल उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग लगा है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि आज सीतामढ़ी में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और माँ सीता मैया की जन्मस्थली पर आकर और उनके पावन मंदिर में जाकर मुझे सिर झुकाने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, मुझे बिहार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे मंगल पांडे जी हमारे बिहार के तेज तर्रार नेता हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने बहुत संक्षेप में आपको जानकारी दी है और आगे भी मुझे बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को, बड़ी बड़ी सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करना है। इसलिए 15-20 मिनट में ही मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट क्यों देना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों को काम करते हुए आप ये कहेंगे कि हर व्यक्ति अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की सराहना करता है, इसलिए आप भी अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की सराहना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यदि यहां पर इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं उन, यदि हमारी बातों से असहमत हो तो सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 10 वर्षों का समय गुजर गया, इसके पहले की सरकारों को भी केंद्र में काम करते हुए आपने देखा। 10 वर्ष के अंदर
पिछली जो भी सरकारें कांग्रेस की रही हैं उन सब पर कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है 10 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी कोई मां का लाल चाहे देश का हो अथवा विदेश का हो अथवा कोई एजेंसी हो उंगली उठाकर नहीं कह सकती है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहता कि हमारी पार्टी में बिल्कुल गंगा स्नान करने के बाद बड़े धुले हुए लोग आते हैं, यह मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि हम सरकार चलाते हैं तो सरकार चलाते समय इस बात की पूरी सावधानी बरतते हैं कि जनता ने जिस विश्वास और जिस भरोसे के साथ हमको यह जिम्मेदारी सौंपी है उस विश्वास और भरोसे को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें, यह हमारी कोशिश रहती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन देना चाहिए कि आपने देखा होगा कि आजाद भारत के इतिहास में नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राजनीतिक पार्टियां भी जो चुनाव के दौरान आती हैं वो तरह तरह के आश्वासन देंगी, घोषणा पत्र जारी करेंगी, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, करिश्मा कर देंगे, बहुत सारे आश्वासन सारी राजनीतिक पार्टियां देती हैं, हम लोग भी आश्वासन देते हैं। लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय भी एक घोषणा पत्र बना था मेरे रहते और उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन चुके थे। मोदी जी बार बार मुझसे कहते थे कि अध्यक्ष जी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं घोषणा पत्र में कोई ऐसी चीज न आ जाए जिसे हम पूरा न करवाएं। और आपको जानकर खुशी होगी 2019 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तो मैं भारत का गृह मंत्री था, उस समय भी मोदी जी ने यह कहा कि राजनाथ जी इस घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आप ही निभाइएगा। आप हमारे दोनों घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए कि जो कहा था वो किया अथवा नहीं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने बिहार दौरे के दौरान दरभंगा भी पहुंचे, जहां मखाने की माला और मिथिला पाग पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीतामणि से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।